गणपति बप्पा मोर्य। सो गाइज वी आर लिविंग फ्रॉम अ थियूर चिंतामणि गणपति। वो कितनी बड़ी सींग है। सो गाइज यहाँ से 42 किलोमीटर है और वो अभी गांव के अंदर से होगा रूट, तो मुझे मालूम नहीं एक्चुअली ये रूट अभी कैसे है। होप करता हूँ कि ऐसे अच्छे रूट हो गए। अगर ओ ठीक है, ये अगर ऐसे ही रूट हो तो हम जल्द से जल्द पहुँच जा सकते हैं, अगर रूट ख़राब हो तो फिर पता नहीं। हाँ सो गाइस हमें आज के दिन में हमारे चारों गणपति कंप्लीट करने हैं, चारों में से एक गणपति कंप्लीट हो गया है। चिंतामणि गणपति इज कंप्लीटेड थेउर। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रंजनगांव गणपति। तो एक लुक अराउंड ले लो पुल का। ओहो रंजनगांव से होगा ओजर और लेनाद्री। ओजर और लेनाद्री ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक है और रंजनगांव यहाँ से एक घंटा दूरी पे है, मतलब अराउंड 40 किलोमीटर्स दूर है बस। और हमें ये तीनों गणपति आज के डेट में कंप्लीट करना है और वो हो जाएगा अगर रोड्स अच्छे हो तो। मेरा मोबाइल जितना हिल रहा है उससे आपको समझ गया होगा, सांस फूल रही है मेरी। शैडलिंग हे यार, और कितना गंदा रोड है। रास्ते हद से ज्यादा खराब हो गए गाइस। अच्छा लग रहा है, हवा भी लग रही है। 40 मिनट रहता है और सो गाइस बहुत कम टाइम में हमने 350 किलोमीटर एक्चुअली कवर किए। सो मेरे घर से अभी तक 1031 किलोमीटर 1031 किलोमीटर हमने राइड हो गई है। तो आज हमने अभी तक 350 किलोमीटर के ऊपर की राइड की है और अभी कंटिन्यू है। सो गाइस अगर ऐसी ट्रैफिक में मैं अटक गया दिन भर तो कैसे चलेगा, और 15 किलोमीटर का ट्रैवलिंग है अपना, 21 मिनट लगेगा ऐसा गूगल बाबा का अंदाज़ा है। तो गाइस ये हो गया एक्सीडेंट। हाय गाइस वी आर एट रंजनगांव महागणपति।
सो गाइस हम पहुंच गए हैं रांझनगांव महागणपति। मंदिर गणपति के मंदिर का पिछला साइड है ये, गणपति मंदिर का कलश है। बहुत ही प्यारा है और मेन चीज ये है कि सब क्लीन रखा है यहाँ पे, क्लीनलीनेस बहुत है यहाँ पे। तो गाइज हमारे जर्नी की स्टार्ट हुई थी मढ़ गणपति से, फिर हमने किया पाली गणपति, उसके बाद हम गए लोनावला इक्वीरा देवी के मंदिर में, और फिर उसके बाद हमने किया मोरगांव का गणपति, फिर हम निकल पड़े सोलापुर के रास्ते से तुलजापुर करने आई भवानी माता मंदिर में, फिर आज हमने किया है थेऊर का गणपति, और अभी हम है यहाँ रांझनगांव में। तो और दो गणपति जो है वो है उजर और लेनाद्री, तो वो दोनों भी नज़दीक है तो वो हो जाएंगे पहले, फिर हम जाएंगे घर। सो गाइस रांझनगांव का गणपति का दर्शन भी हो गया है, ये डोर महाद्वार गणपति बप्पा मोरिया। सो अभी हम निकल रहे हैं उजर, सो अभी हम करेंगे उजर का गणपति यहाँ से अराउंड 76 किलोमीटर दूर है उजर का गणपति। सो गाइस ये देखो, ओहो जिधर देखोगे वहाँ पे उस गन्ने का जूस, गन्ना जहाँ देखोगे वहाँ पे गन्ना। ओह सेडलिंग कितने सारे गन्ने हैं देखो, ये पूरे मेरे दोनों साइड में आजू बाजू में पूरे गन्ने के ही खेत है। अरे बाप रे, ये देखो और 65 किलोमीटर्स उजर गणपति, क्या ही रोड है, एक नंबर, पूरी तरह से पेड़ों से घिरा हुआ और बीच में से हम जा रहे हैं। ओह सो यहाँ से एक लिफ्ट है के, तो ये ऑफ रोड वाला लिफ्ट है शायद। एक नंबर प्यारा रास्ता अपने को मिला है, मुझे 4-5 मिनट स्लो चलेगा बट किलोमीटर ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, बट रोड क्लीन चाहिए बस। ये रोड मस्त है, मजा आ गया, वाह। और एक ऑफ रोड के बाद एक प्यारा रोड आता है और वो रोड दिल खुश कर लेता है। ओहो ये देखो, मामा बकरी बज गई, मामा को हाक मारो तो मामा हाथ दिखा रहे, मामा कसला ऐकते, मामा बकऱ्यांना सोडून काहीतरी तुटते।
ऐसे रोड, ऐसा व्यू, ऐसी बाइक और क्या चाहिए। यहाँ से 20 किलोमीटर और है, 34 मिनट्स बता रहे, मतलब एक आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। सो गाइज, वी आर एट नारायण गांव जुन्नर रोड और ये उसका मार्केट हो रप्पी दिवाली। कोजर में अपना स्वागत है और यहाँ से लेनाद्री ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर दूर है। ओहो, तो यही मैं कह रहा था कि जैसे अपन गणपति के नज़दीक आते हैं वैसे अपने को ऑफ रोड मिलता है। एक मिनट, तो कौन से भी गणपति में जाओ, खाली मढ़ को छोड़ के, मढ़ का गणपति छोड़ के जितने भी गणपति हमने किए हैं, गणपति के जैसे अपन नज़दीक पहुँचते हैं, पहुँच जाते हैं, जितने नज़दीक पहुँच जाएंगे उतने रोड ख़राब होते जाएंगे। और ये अच्छी बात नहीं है। मढ़ का गणपति छोड़ के बाकी सब गणपति के रोड गाइज ऐसे ही है। ओह, क्या व्यू है गाइज, देखो बहुत ही प्यारा व्यू है, देखो गाइज एंजॉयिंग द व्यूज। और वो रहा ओजर का गणपति, और ये है ओजर का गणपति का एंट्री गेट। एक मिनट मैं बता दूँ, ये गेट देखो, देख रहे हो, ये है गेट उधर के गणपति का। ओह, सो गाइस ये है अपना गणपति का मंदिर, और यहाँ पे है एक अच्छी खासी पार्किंग, और पार्किंग के सामने एक अच्छा वाला व्यू। पार्किंग के सामने एक व्यू देखो, और यहाँ पे होती है राफ्टिंग। ओहो, मैं अगर खाना नहीं खाता, थोड़ा जल्दी आता और अपने को लेनाद्री गणपति नहीं करना होता तो हम राफ्टिंग ज़रूर करते, बोटिंग। ओहो, गाइज अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे राफ्टिंग करने भी मिलती है, 60 रुपीज़ पर हेड लेते हैं वो। अभी हम जाएंगे गणपति मंदिर में, पाव पड़ेंगे और फटाक से लेनाद्री गणपति के लिए निकल जाएंगे। मैं अभी उजर गणपति के यहाँ पे पहुँच गया हूँ, बट अभी लोकल्स ऐसा समझ रहे हैं कि लेनाद्री गणपति को रात के 8 बजे के बाद छोड़ते नहीं है। सो मैं यहाँ से जितना जल्दी होगा उतना जल्दी सब लेके निकल लूँगा, सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलूँगा। सो आज ही दर्शन हो जाए तो अच्छा होगा, गणपति बप्पा बस आज दर्शन हो जाए। सो गाइस ऐसा सीन हो गया कि लोकल बोल रहे कि मंदिर बंद हो जाता है 7:30 बजे को, और लेनाद्री शायद ऊपर है, वो चढ़ने को लगता है
सो अभी छोड़ेंगे या नहीं कुछ मालूम नहीं, बट लेट्स सी, हम ट्राई करेंगे, वहाँ जाएंगे। अगर छोड़ा तो अपना नसीब, गणपति बप्पा मोरिया। अभी वही होगा जो गणपति बप्पा को मंजूर होगा, बोलते ना वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, तो वैसे ही अभी जो भी होगा सो होगा। ठीक है गाइस, अभी आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, तो मैं वहाँ पे अभी पहुँचता हूँ और फिर देखते क्या सीन होता है, मैं आपसे शेयर करूँगा। गाइस हम पहुँच गए हैं लेनाद्री गणपति मंदिर, और वो है ऊपर चढ़ के जाते हैं वहाँ से, तो आई डोंट नो कि मुझे अभी वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, बट यहाँ पे पूछ के देखते हैं, अगर छोड़ा तो सही है। मंदिर बंद का साला बंद होता क्या? सो गाइस अपना एक गणपति रह गया। तो गाइस हम यहाँ पे पहुंच गए थे, पर अभी एक गेट बंद है, ये ऊपर चढ़ते हैं, गेट बंद हो गया है, तो ये गणपति दर्शन तो करना नहीं मिला, बट मैंने यहाँ पे 6 नारियल रख दिया है जो रखने आया था, तो फिर से कभी आएंगे नेक्स्ट टाइम। एक गणपति रायला शाह, ठीक है चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर से यहीं पे। सो गाइस दर्शन तो अपना नहीं हुआ लेनाद्री गणपति का, और मैं रुक जाता था, बट मुझे कल फिर से काम पे भी जाना है, ऑफिस भी है, सो पहले ही दो दिन मेरा आउट में स्टे हो गया है, तो और मैं नहीं चाहता मैं और बाहर रुकूँ। थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि सब गणपति के अच्छे से दर्शन लिए और ये गणपति का दर्शन नहीं हुआ, बट ठीक है चलता है। बट नेक्स्ट टाइम यहाँ का प्लान ज़रूर करेंगे। और मेरे से एक गलती हुई कि अगर मुझे पता होता पहले से कि लेनाद्री गणपति का मंदिर इतना जल्दी बंद हो जाता है 6 बजे, तो मैं ओजर के पहले लेनाद्री गणपति करता, फिर ओजर करके मैं घर के लिए निकल जाता। तो अगर गाइस आपने कभी प्लान किया है तो ऐसा प्लान कीजिए कि अगर आप शाम में यहाँ पे पहुँचने वाले तो पहले लेनाद्री गणपति कीजिए और फिर ओजर का गणपति कीजिए। लेनाद्री गणपति कोविड के वजह से अभी 6 बजे बंद हो रहा है, और यूजुअली ये 8:30 बजे तक चालू रहता था, तो इसलिए मुझे गूगल में भी ऐसा शो नहीं किया कि टेंपल इज़ बीन क्लोज्ड और ऐसा। ओके तो अपनी राइड तो सक्सेसफुल हो गई है, अष्टविनायक के 8 गणपति के लोकेशन पे हम जरूर पहुंच गए। हाँ अष्टविनायक के 8 गणपति में हमने जरूर पहुंच गए और गणपति के दर्शन भी हो गए। तो गाइस सॉरी मैं आपको ये राइड में किसी गणपति का दर्शन नहीं करवा पाया, जितना हो सके मैंने आपको फुटेज देने की कोशिश की है, मैंने मेरा 100% आपको दे दिया, जितना हो सके मैंने उतना ट्राई किया। सो गाइस व्लॉग अभी यहीं पे एंड करेंगे, मुझे घर जाने को अभी 1-4 घंटा लग जाएगा, तो जाते जाते मुझे 11 बज जाएंगे रात के, तो ठीक है। सो दिस इज लोकी गाउंड साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून फॉर मोर अमेजिंग वीडियो एंड अमेजिंग राइड। तो अगर गाइज आपने ये वीडियो अभी तक देखी हो और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट करो कि आपको इस पार्ट का क्या अच्छा लगा, और
कुछ मेरे से गलती हुई हो या कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करो, मुझे थोड़ा बताओ, सो मैं नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं होगी। तो मेरा कैमरा एंगल कैसा आ रहा है और व्यू कैसा आ रहा है? एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट राइड थी तो इतना प्रॉपर आइडिया नहीं था। अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो गाइज मुझे बताना, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूँगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं अपन।